स्वागत है आपका। मैं हूं इंद्रजीत कौर। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। और ये दीपावली आपकी शुभ हो, खुशियों से भरी हो, उमंगों से भरी हुई हो, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि इस दीपावली आप रहे सावधान और पटाखों को कहे ना, और मनाए इको फ्रेंडली दिवाली। आज दिवाली है, पटाखा बाजार सज चुके हैं, लेकिन इन पटाखा बाजारों में सुरक्षा के कैसे प्रबंध है, जब इसका जायजा हमारी टीम ने लिया तो बड़ी खामियां नजर आई। जी मीडिया की टीम ने जायजा लिया, क्या कुछ देखा, आप ये रिपोर्ट देखिए। दिवाली के मौके पर लुधियाना की पटाखा बाजार पूरी तरह से सज गए हैं, लेकिन इन दुकानों में सजा ये बारूद तबाही फैला सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रशासन के प्रबंधों में कई बड़ी खामियां देखी जा रही हैं। पटाखा मार्केट के लिए बिजली का अस्थायी प्रबंध किया गया है, बिजली की तारें जमीन पर पड़ी हैं और पटाखा मार्केट के साथ पेट्रोल पंप सटा हुआ है। हालांकि पेट्रोल पंप मालिक ने कई बार प्रशासन को शिकायत की कि पंप के आसपास पटाखा बाजार ना लगाया जाए, लेकिन प्रशासन को हादसे का इंतजार है। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਪ ਟਰੋਲ ਨੇੜੇ ਆ ਬਹੁਤ, ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਰਾਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਾਪਰਵਾਹੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਹਾਦਸੇ ਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਤਮ ਤੋ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। इन लापरवाहियों पर लुधियाना के एसीपी का दावा है कि प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी लगाई गई है, लेकिन दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड के अफसर एसीपी के दावों को नकार रहे हैं। We have made elaborate arrangements like around the clock, हमने emergency services वहां पर लगाई हुई हैं, जैसे कि एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, और राउंड द क्लॉक हमारी पुलिस की गार्ड लगी हुई थी। हाले उन्होंने कोई पैसा जमा नहीं कराया, इस वजह से फायर टेंडर नहीं लगा, जिस टाइम ये करवा देंगे उसी टाइम फायर टेंडर लगाता जाएगा। लापरवाह प्रशासन के बारे में पटाखा व्यापारियों से बात की गई कि भारी भरकम टैक्स चुकाने के बाद भी प्रशासन की तरफ से उनको कोई मदद नहीं मिली, और उन्होंने अपने स्तर पर ही सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। अरेंजमेंट पटाखा मार्केट से ऐसी प्राइवेट तौर पे अपने लेवल पे ऐसी किया होया, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे कुछ नहीं है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਿਲੰਡਰ, ਰੇਤ ਔਰ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ, ਦੋ ਟੈਂਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਪਟਾਖਾ ਵਪਾਰੀਓ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਹੋਨੀ ਸੇ ਨਿਪਟਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਦੁਕਾਨੋਂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੇਤ ਔਰ ਪਾਣੀ ਕੇ ਡਰਮ ਭਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਕੇ ਡਰਮੋ ਮੇ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੇ ਡੇਂਗੂ ਕੇ ਡੰਕ ਕਾ ਖਤਰਾ ਬਣਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕਰ ਪਟਾਖਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਭਾਰੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਨ ਬੂਝ ਕਰ गहरी नींद में सोया है। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। आइए अब एक नजर डालते हैं जालंधर के बाजारों पर, यहां कैसे हालात हैं वो भी देखते हैं। जालंधर में भी बाजार सज चुके हैं, हर तरफ घरों को सजाने का सामान देखने को मिल रहा है। साथ ही प्रशासन ने बल्टन पार्क में पटाखों के थोक और रिटेल व्यापारियों को पटाखे बेचने के लिए जगह दी है, जहां पटाखे ही पटाखे नजर आने लगे हैं। साथ ही सरकार की तरफ से इन व्यापारियों को सुरक्षा को लेकर कई निर्देश भी दिए गए हैं, जिन पर सभी दुकानदार अमल करते नजर आ रहे हैं। इंतजाम कम एना मतलब एसोसिएशन वालों कंप्लीट ही है, यानी कि अपने मतलब पूरी जोर लगा। अच्छा, पूरा कोशिश कर रहे हो आज हो जाए सारे। वहीं बल्टन पार्क में फायर ब्रिगेड की गाड़ी का भी इंतजाम किया गया है। गड्डी नाल पूरा इंतजाम, एक्सटेंशन वगैरह। अच्छा सारे, क्योंकि फायर स्टेशन नेड़े नेड़े ही है। अच्छा, चौंक दादा कॉलोनी ते दुकाना दे विच सारे दे इंतजाम है जी? सारे? हां जी, सारे इंतजाम है। पानी? इसी के साथ बल्टन पार्क में पटाखे खुले और सादी पैकिंग में भी बिकते नजर आए, जिन पर ना कोई मोहर लगी है और ना ही कोई चेतावनी लिखी है, और ये सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के खिलाफ है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। दी ऑर्डर आई सी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जिन्ने भी मैन्युफैक्चरर्स ने फायर क्रैकर्स दे उन्होंने लिमिटेशंस जड़ियां ने उन्हें नॉइज लेवल एट द पॉइंट ऑफ बर्स्टिंग वो फिक्स की थी। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी का कहना है
कि उनके अधिकार क्षेत्र में केवल पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रीज आती हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करके बनने वाले पटाखों की रिटेल और दुकानों पर छापेमारी करने का काम पुलिस का है। जिहड़े सेल ऑफ फायर क्रैकर्स है, ऑल्दो ए साडे कंट्रोल दे विच नहीं है, इट इज फॉर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू पुट ए इफेक्टिव कंट्रोल ओवर जिहड़े फायर क्रैकर सेल हो रहे हैं, वेदर दे आर नॉर्म्स दे विच हैगे नहीं है, सो इहदे बारे जरा ज्यादा दस सकनगे। वही जलंधर के स्कूलों में भी पटाखे ना जलाने की सलाह दी जा रही है, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। ऐसा मैसेज देना चाहेंगे अपने बच्चों को कि क्रैकर्स, जिनको हम पटाखे भी कहते हैं, उनको थोड़ा सा इस दिवाली से दूर रखें। साथ ही जलंधर के डीसी और डॉक्टर भी लोगों से पटाखा मुक्त दिवाली मनाने की अपील कर रहे हैं। तो मैं अपील करना चाहूँगा सारे लोगों से कि वो पटाखों की वरतो कम से कम करें, और इस बार हम ग्रीन दिवाली मना के और जलंधर को पोल्यूशन फ्री रख सकें, तो एक बहुत अच्छा मैसेज हमारी तरफ से लोगों के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए होगा। और भी बड़े तरीके हम खुशी प्रकट करन दे, सिर्फ यही नहीं हैगा कि असी एक ऐसी एक्टिविटी करिए जिदा दिए जलाने हैं, उदे विच कुछ नहीं हैगा, मोमबत्तियां जलानी है उदे विच कुछ नहीं हैगा। दिवाली पर पटाखे चलाने से पर्यावरण को तो नुकसान होता ही है, साथ ही इनके धमाकों से बुजुर्गों और दिल की बीमारी वाले लोगों को खासा नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा हजारों रुपए के पटाखे कुछ ही देर में राख हो जाते हैं। ऐसे में पटाखे चलाने के अलावा दिवाली पर दूसरे तरीकों से भी खुशियां मनाई जा सकती हैं, जिससे सभी के चेहरों पर मुस्कान आ सकती है। आप उन तरीकों के बारे में भी सोचें। राजीव वाधवा, जी मीडिया, जलंधर। अब आपको ले चलते हैं बठिंडा, जहां स्कूल के छात्र कर रहे हैं पटाखे ना चलाने की गुजारिश, और डॉक्टर भी बता रहे हैं पटाखे चलाने के नुकसान, लेकिन इन सब अपीलों का कितना असर नजर आया बाजारों में, रिपोर्ट देखिए। बठिंडा के दशमी स्कूल के ये विद्यार्थी कसम खा रहे हैं इस दिवाली पर पटाखे ना चलाने की, ताकि इस बार की दिवाली प्रदूषण मुक्त हो और ना हो किसी की सेहत के साथ खिलवाड़। ਅਸੀਂ ਈਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਕਰਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀ ਈਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। वैसे तो दिवाली पर पटाखों और आतिशबाजी का रोमांच बच्चों को खासकर अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन अब अगर ये नन्हे मुन्ने इस शोर शराबे के नतीजों से वाकिफ हो चुके हैं और आगे पटाखे न चलाने की शिक्षा भी दे रहे हैं, तो सुनकर काफी अच्छा लगता है। वैसे इस सब का सेहरा स्कूल के प्रिंसिपल को जाता है, जिन्होंने जी मीडिया का ये खास मुहिम चलाने का धन्यवाद किया और क्रैकर फ्री दिवाली का संदेश दिया। ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਵਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਫੀਲੇਟਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ 10,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਫੀਲੇਟਡ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। हर कोई क्रैकर फ्री दिवाली का संदेश दे रहा है, क्योंकि धीरे धीरे हर किसी को समझ आ रहा है कि पटाखे आखिर कितने हानिकारक होते हैं। अगर आप अनजान हैं, तो सुनिए डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। पटाखा बहुत ही बड़ा होवे तो बच्चे या बुढ़े या चलाने वाला जिहड़ा है बोला भी हो सकता है, उसके दिमाग के पर्दे जिहड़े है खराब हो जाते हैं, तो कई बार जिहड़ा है पागलपन भी इस नाल देखा गया है। वहीं जब बठिंडा के डीसी साहब से पूछा गया कि आखिर उनकी ओर से दिवाली को लेकर क्या प्रबंध किए गए हैं, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ निर्धारित जगहों पर ही दुकानदार पटाखे बेच सकते हैं। बठिंडा जिले में इस बार भी दिवाली के जड़े मौके पर पटाखियां की बिक्री लिए निर्धारित स्थानों पर ही जड़े हैं स्टॉल लाए जाएंगे। वैसे प्रशासन तो सख्ती दिखा रहा है, लेकिन सख्ती के बावजूद बठिंडा में कुछ दुकानदार निर्धारित जगहों की जगह घरों में पटाखों की दुकान चला रहे हैं, जो हमारे कैमरे से बचते हुए नजर आए। लेकिन ऐसे दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कई पटाखा बेचने वाले दुकानदार करते दिखे, क्योंकि इससे उनके कारोबार पर भी असर पड़ता है।
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਕੇਲ ਪਾਣੀ ਦੇਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੇ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ अब पटाखे ना चलाने की जागरूकता तो दिख रही है लेकिन दिवाली वाले दिन ये जागरूकता कितने रंग लाती है ये देखने लायक रहेगा लेकिन पटाखों के बगैर अगर आप दिवाली मनाएंगे तो आपकी ये कोशिश आपके साथ साथ कई जिंदगियों को भी रोशन कर सकती है जगमगा सकती है बठिंडा से गोविंद सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया